की न्याय की मांग को, साथ ही नजीब अहमद के न्याय की मांग को, साथ ही चंद्रशेखर की न्याय की मांग को दोहराते हुए आप तमाम लोग जो है मौजूद हैं, मैं आप तमाम लोगों का अधिकारी इस्तकबाल करता हूं, आप तमाम लोगों को जयपुर मन से बैठे बाकी वक्ताओं का अधिकारी इस्तकबाल करता हूं और आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक बात तो यहां आके साफ हो गई कि जो टीवी का शोर है वो जमीन की सच्चाई नहीं है। और जो जमीन की सच्चाई है इसीलिए टीवी का शोर है, ऐसी कमरे से बाहर नहीं आए और उनके आका जानते हैं कि जमीन के ऊपर जितने जन आंदोलन है वो साथ आ रहे हैं और वो उसमें अपनी हार देख रहे हैं। एक सुझाव आया था साथी की तरफ से कुछ दिन पहले किसी को हिमालय भेजने का, बहुत बोरिंग एक सुझाव और ऐड करना चाहूंगा, हिमालय उनके साथ उन टीवी के प्रवक्ताओं को और एंकरों को भी भेज दीजिए, भेजने का उनको कैमरा भी बहुत पसंद है, कैमरे का काम भी हो जाएगा। तो बोला जा रहा था कि इस देश में मोदी की लहर है, इस देश के इंसाफ पसंद, न्याय पसंद, धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले लोग बहुत हताशा में थे कि अब तो संसद में विपक्ष भी नहीं बचा। लेकिन एक ऐसे दौर में और एक ऐसे मुश्किल दौर में जब देश को लूटा गया, देश को बांटा गया और हिंसा के आधार पर राज किया गया, उस ऐसे दौर में इस मोदी लहर का गुब्बारा फट चुका है। इसका श्रेय किसी को जाता है वो इस देश के छात्रों को और इस देश के नौजवानों को, इस देश के मजदूरों को जाता है, इस देश के महिलाओं को, इस देश के अल्पसंख्यकों को जाता है। आप देख लीजिए इस पूरे दौरान कितने आंदोलन लड़े, ये बोल रहे थे कि विपक्ष नहीं है, एफटीआईआई में देख के लगता था कि कोई विपक्ष नहीं है, जेएनयू में देख के लगता था कोई विपक्ष नहीं है, ऊना को देखिए, सहारनपुर को देखिए, इस मंच से उन सारे आंदोलनों को मैं लाल सलाम पेश करता हूं। मोदी साहब ने पिछले साल एक भाषण दिया नोटबंदी के बाद और बोला मैं तो फकीर आदमी हूं, मोदी साहब देख लीजिए युवा आपको यहां उकार रहा है, आपको झोला उठा के कटने नहीं देंगे, अब आपसे जवाब मांगेंगे, आपको जवाब देना होगा कि वो रोजगार और विकास के वादे को क्या हुआ, आपको हर चीज का जवाब हमको देना होगा। और आज जब उनके पास जवाब नहीं है तो इस देश में आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आज जब इस देश के युवा यहां मौजूद हैं तो एक बात बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। गौरक्षक नाम पर बांटना बंद करो, हमें नौकरी और शिक्षा दो। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कौन से युवा हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो तमाम युवा जिनको ऐतिहासिक तौर पर समाज के हाशिए पर ढकेल दिया, जिनको इज्जत नहीं दी गई, जिनको संसाधनों से बाहर रखा गया, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अब किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, आप चंद्रशेखर को उठा के देख लीजिए, साथी चंद्रशेखर से उनको इतना गुस्सा क्यों है, साथी चंद्रशेखर से उनकी इतनी नफरत क्यों है, बोलते हैं रासुका लगाया है उनके ऊपर, बोलते हैं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारा मानना है कि साथी चंद्रशेखर इस देश की सुरक्षा के लिए नहीं खतरा है, साथी चंद्रशेखर हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है। हिंदू राष्ट्र को बदल देना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि उनकी मनुवादी विचारधारा में दलितों का कोई स्थान नहीं है। वो इस बात से ऐसे लोग जैसे आनंद कुमार हेगड़े मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं कि संविधान को बदलो, धर्मनिरपेक्षता को हटाओ, हमको धर्म और जाति के आधार पे अपने आप को बताना चाहिए, ऐसे लोग तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, लेकिन जब दलितों से मिलने जाते हैं तो वो साबुन और शैंपू देते हैं, एकदम साफ कर लेना,
मसीह उसको जेल के अंदर बंद करके रखते हैं। वही दिक्कत, वही समस्या इनको रोहित वेमुला से भी थी। रोहित वेमुला पर हमला करके, क्योंकि रोहित वेमुला ने सिर्फ जुल्म सहा नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ा, आंखों में आंखें मिलाकर बात करी, तब रोहित वेमुला ने ये काम किया तो उनको प्रताड़ित किया गया। मोदी जी को लगा और उनके मिनिस्टर्स को लगा कि इतना प्रताड़ित करते हैं, इसका उदाहरण बनाते हैं, उदाहरण बना के इसको पनिश करेंगे और ऐसा उदाहरण बनाएंगे कि कोई इसके रास्ते पे नहीं चलेगा। मोदी जी और स्मृति ईरानी मैडम, आपने उदाहरण नहीं, डर को खत्म करके आपसे लड़ने का। और एक बात आप सुन लीजिए, आपको लगता होगा कि रोहित वेमुला को मार दिया है, लेकिन इस सरकार को जब गिराया जाएगा और जब पहला जीत का परचम लहराएगा तो सबसे आगे रोहित वेमुला होगा। अजीब अजीब बातें पिछले कुछ दिनों में, मैं बोल रहा हूँ, मीडिया का शोर है, मेरे बारे में ऐसी नफरत फैलाते हैं। अगर किसी नफरत में विश्वास कर लेता है तो मैं उसको एक बात बहुत प्यार से बोलना चाहूंगा। उमर खालिद से नफरत करके जो 2 करोड़ रोजगार का फायदा आपको वादा किया था और आप बेरोजगार हो, तो हमसे नफरत करके आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मुझसे, कन्हैया से, जिग्ने से, शैलेश से नफरत करके किसानों का संकट खत्म नहीं होगा। और अगर आपके पिताजी छोटे व्यापारी थे तो उनका जो बिजनेस खत्म हो गया जीएसटी के बाद, वो ठीक नहीं होगा। हमसे नफरत करके आपको हाई ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए हमारे साथ आइए, हम लड़ेंगे सरकार से, उसे हर चीज का जवाब मांगेंगे। एक बात बोली गई कि यहां सरकार ने, आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, यहां सरकार ने दलित पे हमला किया, मुसलमानों पे हमला किया, किसानों पे हमला किया, मजदूरों पे हमला किया, शिक्षा के संस्थानों पे हमला किया। एक हमला इस सरकार का और है, और उस हमले को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। वो है भाषा पे हमला, शब्दों के मतलब बदल गए हैं। आप देखिए, हमको बोला जाता है कि हम टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, हम टैक्स पेयर मनी से पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं, तो जो खर्चा शिक्षा पे होता है उसको बोला जाता है कि वेस्टफुल सब्सिडी है, इसको हटा दो। जो शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होता है उसको बोला जाता है वेस्टफुल सब्सिडी है, इसको हटा दो। और जो लाखों करोड़ों का टैक्स अडानी और अंबानी का माफ किया जाता है, उसको बोला जाता है। सोचिए आप, पिछले 3 साल में 72,000 करोड़ तो इस सरकार ने सिर्फ अंबानी का टैक्स माफ किया है, सिर्फ अंबानी का टैक्स माफ किया है। और जो आप हमको बोलते हैं कि टैक्स पेयर मनी से पढ़ते हैं, तो जी हाँ, हम टैक्स पेयर मनी से पढ़ते हैं, तो वो पैसा बीजेपी के नेताओं के बापूजी का नहीं है, तुमसे लड़ूंगा। तो मोदी सरकार, आप चाहे
लोगों को मार दीजिए, आप चाहे लोगों को फांसी अपने आप को लगाने पर रोहित चंद्रवा की तरह मजबूर कर दीजिए, लेकिन इस लड़ाई को रुकने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई अखिल गोगोई को, बधाई भी देता हूँ। हम ये चंद्रशेखर की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम।